हेलो फ्रेंड्स, हंस वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ओप्पो फोन से ऐप को आप कैसे मूव कर सकते हैं एसडी कार्ड में। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन से ऐप को मूव करना चाहते हो एसडी कार्ड में, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा ऐप को मूव करने एसडी कार्ड में। तो ऐप को मूव करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन के फाइल मैनेजर ऐप पर आपको चले जाना है। तो मैं फाइल मैनेजर ऐप पर चले जाता हूँ। फाइल मैनेजर ऐप पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिले APKS, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इंस्टॉल्ड वाले ऐप। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे ऐप को आप मूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इन सारे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए, तो इन सारे को मूव करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मेरा मूव, तो मूव पे आपको क्लिक करना है। मूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मेरा एसडी कार्ड और फोन स्टोरेज। तो एसडी कार्ड पे आपको क्लिक करना है। एसडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मूव हेयर पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग हो रहे हैं। तो देखिए, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से एसडी कार्ड में आप ऐप को मूव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी समय लग रहे हैं। तो देखिए, तो कुछ समय के लिए वेट कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो देखिए, तो देख सकते हैं मूव्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो बैक कर लीजिए। और मैं आप लोगों को भी एसडी कार्ड में दिखा रहा हूँ। तो एसडी कार्ड पर आपको क्लिक करना है। एसडी कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मेरे ऐप, तो ऐप पे आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आपके एंड्रॉइड फ़ोन में जितना सारे भी ऐप है, सभी ऐप इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल्ड ऐप को आपने मूव कर लिया एसडी कार्ड में। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन से एसडी कार्ड में। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ घंटी के बटन है, उसे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलता है अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम।